रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया नया वीडियो, यूक्रेन के रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को तबाह करने का दावा। मारियोपोल में यूक्रेन और रूस के बीच जबरदस्त जंग, 13 दिन से चल रही है लड़ाई, रूसी सेना को जबरदस्त टक्कर। यूक्रेन के कई शहरों में लगातार हवाई हमले, लगातार आ रही है तबाही की तस्वीरें। रूस और यूक्रेन के बीच जारी है जंग, रूस की फौज के हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है यूक्रेन की सेना। कीव में रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है रूस, खंडर में तब्दील हुई बिल्डिंग, दहशत में है लोग। कैमरे में कैद हुआ कीव पर रूस का मिसाइल हमला, एक बुजुर्ग शख्स के आगे बढ़ते ही हुआ तेज धमाका। जंग के 19वें दिन रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर झोंकी ताकत, कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर जमकर बमबारी। यूक्रेन के दूसरे शहरों में लगातार बमबारी कर रहा है रूस, डोनेट्स्क में मिसाइल हमले के बाद दिखी तबाही। यूक्रेन के खेरसन में सड़कों पर उतरा लोगों का हुजूम, रूसी फौज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। खेरसन में भीड़ के बीच से निकलता दिखा रूस का टैंक, लेकिन रूसी ताकत के सामने बिना डरे जमे रहे लोग। रूस ने होस्टमल हवाई अड्डे पर किया कब्जा, एयरपोर्ट में घुसे रूसी फौज के जवान। यूक्रेन के दक्षिणी शहर मारियोपोल पर रूसी बमबारी से अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत, यूरोपियन यूनियन का दावा। यूक्रेन के इरपिन में जारी है भीषण जंग, कीव में घुसने की पूरी कोशिश कर रही है रूस की फौज। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी किया वीडियो, कहा शहरों को बर्बाद कर रहा है रूस, लेकिन करेंगे पुनर्निर्माण। जेलेंस्की ने एक बार फिर नेटो देशों को दी चेतावनी, बोले नो फ्लाई जोन नहीं बनाया तो रूसी हमले के लिए रहो तैयार। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के बीच उम्मीद भरी खबर, जेलेंस्की की तरफ से आया बड़ा बयान, इसराइल करेगा मध्यस्थता। जंग की तबाही के बीच यूक्रेन से जारी हो रहा है लोगों का पलायन, रोमानिया बॉर्डर पर दिखी लोगों की भीड़। रूस ने किया डोनेट्स्क पर कब्जे का दावा, शहर की सड़कों पर दिखे रूस के टैंक। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 20वां दिन, लड़ाई के बीच बातचीत का दौर आज भी रहेगा जारी। चौथे दौर की बातचीत के पहले दिन दोनों देशों के बीच वीडियो लिंक से बातचीत, पहले दिन नहीं बनी थी कोई सहमति। जेलेंस्की के सलाहकार का ट्वीट, युद्ध विराम, सेना की तुरंत वापसी और सुरक्षा की गारंटी को लेकर बात। रूसी प्रशासन का दावा, अभी तक 900 से ज्यादा मिसाइल यूक्रेन में दागे गए। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में रात भर बजता रहा हवाई हमले का सायरन, कीव के पास जबरदस्त बमबारी।